ये है दिल्ली दर्पण। दिल्ली के रानी स्थित आर्य समाज मंदिर में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय कवि राजेश चेतन सहित देश के कई राज्यों से पहुंचे कवियों ने कविता पाठ किया। विगत कई महीनों से आर्य समाज की ओर से अखिल भारतीय दयानंद सेवा श्रम संघ के बैनर तले वैचारिक क्रांति शिविर आयोजित हुई थी, जिसका समापन कवि सम्मेलन के बाद किया गया। फर्ज अपना निभाकर चले तुम गए, है तुम्हारे लहू कारणी ये वतन, ऐ शहीदो तुम्हें मेरा सत शत नमन, ऐ शहीदो तुम्हें मेरा सत शत नमन। हिंदुस्तान के बच्चे हैं हम, क्या जाने तू हमको प्यारे, हम है उनकी आग के तारे, सच्चाई पर चलने वाले, कभी नहीं हम डरने वाले, चार मिटा देंगे, चक्की को मार भगा देंगे। आजादी की चिंताओं से नोची बोटी बोटी याद करो, दुनिया की दौलत पर भारी दो घास की रोटी याद करो। दुनिया की ताकत पर भारी दो घास की रोटी याद करो, अब याद तुम्हें करना होगा सभी पुरुष आमाओं को। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं मैंडेटरी बोल रहा हूँ, सरकार पाठ्यक्रम में लगाए जो बोल रहा हूँ, ये देश विश्वरूप हो जाएगा। कि पापा के मन को हरदम भाती है बेटियाँ, पापा के मन को हरदम भाती है बेटियाँ, मम्मी से डांट हरदम पाती है बेटियाँ, फरमाइश नहीं की होती कभी खत्म, पापा के मन को फिर भी भाती है बेटियाँ। मौत से करना क्या, इस वतन से हो जाएगा, मौत से करना का छोड़ दिया। अखिल भारतीय दयानंद सेवा आश्रम संघ के वैचारिक क्रांति शिविर का समापन अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के साथ हो गया। विगत कई महीनों से आर्य समाज की ओर से अखिल भारतीय दयानंद सेवा आश्रम संघ के बैनर तले वैचारिक क्रांति शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें देश भर के करीब 12 से अधिक राज्यों के बच्चे शिविर में हिस्सा लेने पहुँचे थे। एमके साहित्य अकादमी पंचकुला और दयानंद सेवाश्रम संघ के संयुक्त तत्वावधान में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन राजधानी दिल्ली के रानी बाग स्थित आर्य समाज मंदिर में हुआ, जिसमें देश भर के नामचीन कवियों ने हिस्सा लिया और अपनी प्रसिद्ध रचनाओं का पाठन किया। पढ़े जाते हैं, मुझे तो याद है, वो मेरे भारत आ गए, एक बोला मेरे बाथरूम में 5 लाख रुपए लगे, दूसरा मेरे बोला जी मेरे बाथरूम में 10 लाख रुपए लगे। वही अपना एक हरियाणा का ताऊ खड़ा था, वो बोला जी मैं सुबह लोटा लेकर जिस खेत में जाता हूँ ना, उसकी कीमत 7 करोड़ है, और ऐसे हमारे विदेशी मित्र बोले तुम्हारे यहाँ गंदगी ही गंदगी पड़ती है दिखाई, जबकि हमारे यहाँ सफाई ही सफाई। मैंने कहा तुम तो कीड़े मकोड़े कॉकरोच सब तल के खा जाते मेरे भाई, इसीलिए रहती है हमारी सफाई। अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का संचालन वरिष्ठ कवि राजेश अग्रवाल ने किया। हास्य कवि रसिक गुप्ता ने श्रोताओं को खूब हंसाया और जमकर तालियां बटोरी। भाव उन्हीं के पढ़े नहीं, मात पिता भेजे वृद्धाश्रम, किंतु शर्म से खड़े नहीं, अरे ईश्वर ने तो रखी आस्था, लेकिन वो ये भूल गए कि सृष्टि के निर्माता भी तो मात पिता से बड़े नहीं। वही हिंदी कवि सम्मेलन के युवा हस्ताक्षर प्रसिद्ध कवि मोहित शौर्य की कविताओं पर श्रोताओं ने वीर रस में गोते लगाए, तो मातृशक्ति पर अपनी प्रसिद्ध कविता दुर्गा की तलवार बनो पढ़कर मोहित शौर्य ने महिलाओं का दिल जीत लिया। अपनी कविता के जरिए उन्होंने यूपीएससी के रिजल्ट में बेटियों के परचम पर भी अपनी बात रखी। पूरा देश कॉमनवेल्थ से लेकर के एशियन गेम्स तक और ओलंपिक तक जब एक मेडल की तलाश में था तो
यूपीएससी का रिजल्ट आया, अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया तो आपने देखा होगा बेटियों ने परचम लहराया। मैं चार पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली है, जो खुशबू प्यार की देते ये उन फूलों की डाली है, बनी परिवार की खातिर कभी दुर्गा में काली है, जहाँ बेटों ने घर की मर्यादा रख दी है ताक पर, वहां इन बेटियों ने बाप की पगड़ी संभाली है। कवि सम्मेलन की आयोजक डॉक्टर प्रतिभा माही ने भी अपनी कविता पढ़ी और अपने बचपन के दिनों को याद करते हुए बच्चों पर कविता सुनाई। राष्ट्रवादी कवि कलाम भारती ने जैसे ही माइक थामा, भारत माता की जय के नारे लगने शुरू हो गए। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध कविताओं का पाठन किया और कहा कि 1857 से लेकर 1947 तक 7.5 लाख लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। उन्होंने अपनी कविता यातनाएं सही पर निभाया वचन गाकर अपना स्थान ग्रहण किया। कवि सम्मेलन का शानदार संचालन कर रहे डॉक्टर राजेश अग्रवाल ने भी अपनी कविता पढ़ी। उन्होंने आंगन से तुलसी का पौधा जब से हमने तोड़ दिया, तब से हमने जीवन जीना छोड़ दिया गाकर लोगों को जागृत किया। आंगन से तुलसी का पौधा हमने जब से तोड़ दिया, ऐसा लगता है कि हमने जीना कब से तोड़ दिया। बूढ़े बरगद की शाखों को बेरहमी से काट दिया, बूढ़े बरगद की शाखों को बेरहमी से काट दिया। कल तक जिसका हिस्सा थे उसको हिस्से में बांट दिया, कल तक जिसका हिस्सा थे उसको हिस्से में बांट दिया। जो बच्चे थे कहते थे माँ मेरी है, माँ मेरी है, और बीता बचपन कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है, बीता बचपन कहते हैं माँ तेरी है, माँ तेरी है। सभी कवियों के बाद अंतर्राष्ट्रीय कवि और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजेश चेतन ने भारत के गौरव का झंडा दुनिया भर में लहराना है गाकर सबके अंदर देशभक्ति की भावनाओं को जागृत किया। अंग्रेजों से बार बार जो टकरा है, राष्ट्र समर्पित है मतवाले, ऐसे गिरजानंद गुरुवर से जो भी ज्ञान मिला, सच में थे अमृत के प्याले, और नारी का सम्मान जगाया भारत में। मेरे शक्ति को समर्पित करता हूं, नारी का सम्मान जगाया भारत में, मातृशक्ति के बने शिवाले, सत्य का प्रकाश कलम से निकला, सत्य का रूप को भारी है, मेरा काम मुझे पूरा करना है। सत्य का प्रकाश कलम से निकला था, मानवता के परम उजाले, हिंदू वैदिक संस्कृति का सम्मान किया, हिंदू वैदिक संस्कृति का सम्मान किया, अद्भुत थे वो संत निराले, भारत माता की। कवि सम्मेलन के बाद एमके साहित्य अकादमी और आर्य समाज की ओर से सभी कवियों को सम्मानित किया गया। दयानंद सेवा आश्रम के मध्य प्रदेश प्रभारी आचार्य दया सागर ने बताया कि देश भर के विभिन्न राज्यों से बच्चे पहुंचे हैं। काव्य गोष्ठी का आयोजन इन बच्चों के ज्ञान वर्धन के लिए किया गया। इस शिविर में 13 राज्यों से, आदिवासी क्षेत्रों से बच्चे आए हैं, जहाँ पर हमारी सेवा इकाई के बड़े कार्य चल रहे हैं। कवि सम्मेलन के साथ ही वैचारिक क्रांति शिविर का समापन भी हो गया। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर